यार छोड़ो, मैं क्या मतलब, करवा चौथ का चांद दूंगा और ईद का चांद कटा दूंगा, जैसा पति जैसा त्योहार। द्रोणाचार्य ने काटा ऊंटा, लक्ष्मण जी ने ना, लेकिन अल्लाह ने तो। यार छोड़ो, मैं क्या मतलब, करवा चौथ का चांद दूंगा, क्या आया ढंग जैसा मुसलमानों के लिए है क्या? हेलो दोस्तों, तो फिलहाल मैं फिर से थाली सजा रही हूँ राखी की। तो फ्रेंड्स, मेरी नंदो ने भी राखियाँ मुझे भेज दी है और मुझ तक पहुँच भी गई है। तो ये देखिए दोस्तों, कितनी प्यारी प्यारी राखियाँ हैं। तो ये मेरी नंदो ने मेरे लिए राखी भेजी है, एक ये वाली दीदी ने राखी भेजी है, ये सब छत्तीसगढ़ में रहती है मेरी तीन नंदे। तो एक ये वाली राखी आ चुकी है दीदी की, और दिखाते हैं आपको। और ये देखिए, बहुत प्यारी प्यारी सी राखी है। एक ये वाली नंद ने राखी भेजी है मेरे लिए, और ये देख सकते हैं आप, बहुत प्यारी प्यारी राखियाँ हैं। तो चलिए, बुआ ने माँ के लिए अभी राखियाँ भेजी है, तो मम्मी को भी राखी बांध देते हैं क्योंकि मम्मी बहुत देर से वेट कर रही है। तो मम्मी को बुलाते हैं, मम्मी आइए ना। तो चलिए, माँ को भी राखी बांध देते हैं क्योंकि फिर माँ को किचन का भी काम देखना है, तो मम्मी को भी राखी बांधते हैं हम लोग। तो ये देखिए फ्रेंड्स, माँ यहाँ पर बैठ गई है, माँ को भी जल्दी से राखी बांध देते हैं। और ये मेरी थाली, मैंने बताया बहुत ही प्यारी प्यारी मतलब बुआ लोग और मेरी नंदो ने राखी भेजी है। तो चलिए जल्दी से माँ को भेजते क्योंकि अभी यहाँ पे दिया जल रहा है, तो बार बार पंखा भी मतलब पंखा भी बंद हो जा रहा है। तो जल्दी से मम्मी को तिलक करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलाय पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनुहरे। तो श्री गणेश जी का मैंने नाम ले लिया है, और फिर राखी बांधते हैं माँ को। और इस वाले हैंडल पर जो है तो बुआ जी लोग इस बार नहीं आ पाई हैं, प्यारी बुआ जी लोग। तो बुआ के बदले से मैं ही राखी बांध रही हूँ, मम्मी को भी बांधी है और पापा को भी बांध लिया है। छोड़, अच्छे से बांध देना, जिससे काम हम करते हैं वहाँ हो, ऐसे बांध देना। अब पेट के पिछा भी बंद कर, कितनी सुंदर सुंदर थी। आजकल सब इसी टाइप की राखियाँ हैं, फैशन वाली। तो ये है, चलिए राखी उतार देते हैं, ऐसे थोड़ा ऐसे थोड़ा कर। इधर देखिए, राखी बांध दी है, और मैं भी बदवाऊंगी मम्मी से क्योंकि मेरी नंदों ने भी भेजा है। तो मम्मी का मुँह मीठा करा देते हैं। तो ये देखिए, मम्मी को मैंने राखी बांध दी है, और मम्मी से मैं भी बदवा लेती हूँ क्योंकि मेरी सिस्टरों ने राखी भेजा। और अभी मैंने कान्हा जी को मतलब पूजा वाली राखी बांध दी है, लेकिन जो अलग से राखी होती है मैं कान्हा जी को बांधूंगी। बने रहिए फ्रेंड्स ब्लॉग पर। हेलो दोस्तों, राधे राधे आप सभी को, जय श्री कृष्णा, रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, अभी तक मैंने कान्हा जी को राखी नहीं बांधी है, और अच्छे से उन्हें अभी रेडी किया है, नई नई ड्रेस पहना दी है, जो पापा ने घर में बहुत सारी ड्रेस बनाई थी कान्हा जी के लिए, क्योंकि अभी लगातार बैक टू बैक बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं, तो बहुत सारी ड्रेस पापा ने बहुत सुंदर सुंदर सी बनाई है। तो मैंने
कान्हा जी को बढ़िया से रेडी कर दिया है, हमारे छोटे लाला और बड़े गोपाल जी और एक सबसे बड़े कृष्ण जी हैं युगल रूप में। तो तीनों को मैंने ड्रेस पहना दिया है। तो चलिए राखी बांधते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, मैं दिखाती हूँ कि कान्हा जी के लिए इस बार मैंने कौन सी राखी लिया। उस बार तो रक्षाबंधन में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाई थी राखी, मैं बैंगलोर में थी। तो चलिए फिलहाल इस बार अच्छे से अपने कान्हा जी को राखी बांधते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो पर हमारे।